दिस इज़ आरुषि ठाकुर राणा और आज मैं आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ जो मेरे डैड ने मेरे साथ शेयर किया था. सो व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग थिएटर, उन्होंने मुझे बताया था कि जब उन्होंने अपना शायद पहला या दूसरा नाटक किया था, देयर वर अराउंड 30 पीपल इन द कास्ट और 20 लोग ऑडियंस में थे, और वो 20 में से शायद 10 लोग फ्रेंड्स थे या फैमिली मेम्बर्स थे या रिक्वेस्ट करके बुलाए हुए लोग थे. सो आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर थिएटर वॉज नॉट रेलिवेंट या थिएटर की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, उन्होंने उस जगह से स्टार्ट किया है और उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पर परफॉर्म किया है नेशनली इंटरनेशनली, एंड ही इज़ मेड दैट नेम, ही इज़ मेड यू नो थिएटर अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इररेजिस्टिबल काइंड ऑफ लाइक दिस आर्ट फॉर्म. तो मुझे लगता है कि उनकी मेहनत, उनकी डेडिकेशन, उनकी पर्सिस्टेंस टुवर्ड्स हिज वर्क हैज़ बीन वन ऑफ द रीजन्स वाई ही इज़ वेयर ही इज़ नाउ. और मैंने उनके साथ काम किया है, हम रशिया और जर्मनी में हमने परफॉर्म किया है. सो वहाँ पर देवर लाइक अराउंड 2000 people who gave us standing ovation. So from there, like from starting from Jammu where there were like just 20 people in the audience to going abroad and performing there or Dogri ka naam banana, Dogri ke liye itna kuch karna, I think it's been a long journey and there's so much to learn from him. Aur main bahut baar unse ye bhi kehti hu ki dad, you just need to relax now, you've achieved a lot. But he is that kind of person who is always working. Aur abhi bhi jab bhi main से कॉल पे बात करती हूँ या कहीं पर भी, व्हेनेवर आई टॉक टू हिम, ही इज़ ऑलवेज डूइंग समथिंग, ही इज़ रीडिंग अ बुक, ही इज़ लर्निंग समथिंग न्यू. सो आई थिंक ही इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, स्पेशली टू हिज वर्क, एंड आई एडमायर दैट अबाउट हिम. आई गेट इंस्पायर्ड बाय दैट एंड आई विश कि काश मैं उनका लाइक 1% भी बन पाऊँ. सो या he's you know one of the most important person in my life and he's my biggest inspiration and I'm sure he's an inspiration to a lot of people. So yeah, I think that's what I can say about him. There's so many other things that I want to say, but ये एक इंसिडेंट मुझे हमेशा याद आता है कि एक इंसान के लिए उस जगह से शुरू करना जहाँ पर कुछ नहीं था और आज उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है. आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी. Thank you.